आज पाकिस्तान बात करते हैं थोड़ी फाइनेंशियल वेलनेस की, मेंटल वेलबींग की बात की जाती है, फिजिकल वेलबींग की बात की जाती है, लेकिन आपके फाइनेंशियल से आपकी लाइवलीहुड जुड़ी हुई है और काफ़ी हद तक आपका जहनी सुकून और आपकी फिक्रें, आप किस तरह दुनिया को देखते हैं, इट इज़ ऑल लिंक टू द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यू हैव। अगर आपके पास पैसा है और अगर आप ये बिलीव भी करते हैं कि पैसा कम भी है तो भी मेरे पास बहुत सारे मौके मौजूद हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, दैट कीप्स यू इन अ पॉजिटिव माइंड सेट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक लैक माइंडसेट में हैं, इफ यू आर बेली एबल टू मेक योर यू नो मीट योर नीड्स, देन दैट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। आज हमारे साथ मौजूद हैं लईक अहमद, हु इज द फाउंडर ऑफ सरमाया.pk, और उनके पास कुछ जबरदस्त आइडियाज हैं, आपके लिए कुछ टिप्स हैं, और उनसे ओवरऑल भी देंगे, इस बात पर जायजा लेंगे कि इस वक्त पाकिस्तानी आवाम क्या सोच रही है, डू दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट, डू दे वॉन्ट टू सेव, आर दे अनएबल टू सेव, लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम लईक जी। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। लाइक सबसे पहले मुझे बताइए कि सरमाया.pk, आई अंडरस्टैंड दे गिव एजुकेशन अबाउट द फाइनेंशियल्स, यानी लोगों को जिन माली उमूर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में बताना, व्हाट एल्स डज द कंपनी डू? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम है क्या। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, टोटल आबादी 22 करोड़ है, और जो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो 50,000 है, एंड विच ट्रांसलेट इनटू 0.14% से भी कम की पार्टिसिपेशन है। ये जो फिगर है ये पूरी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट की फिगर्स है किसी भी कंट्री से रिलेटेड। दूसरी तरफ पे जो म्यूचुअल फंड्स है उस पर तकरीबन 3 लाख लोग हैं जो कि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच अगेन ट्रांसलेट इनटू लेस देन 1%। अच्छा, ये जो फिगर है अगर हम अमूमी तौर पे देखें, जो एक सोच पाई जाती है पाकिस्तान में वो ये है कि शायद रियल स्टेट ही ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, और मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड रियल स्टेट में इतनी ज़्यादा रुझान हो गया है कि जो लोग जिनके पास वाकई रियल स्टेट की कमी है और वो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑल द पीपल विद मनी आर इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन, so the people who want to build home cannot afford home as well. So right now lekin main agar if I may stop you right there, like mujhe ye bataye ki real estate ya property mein invest karne ka to matlab hai ki people are very risk averse, unko koi risk nahi lena, unko pata hai ki property agar wo lenge uski kimat badhegi, and we literally want to become rent seekers, puri ki economy rent seeker banti chali ja rahi hai ki jo cheez jo property aapne li ya to usko aapne investment ki niyat se liya aur usko aap aage bech denge to capital gain aapko hota hai ya fir aap uski taraf se kiraya lete rahenge. Is that mindset going to hurt us? And it is already hurting us. I think it is already hurting, as we know कि हम जिस तरह के हालात में आज तक आज कल हैं, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए आज कल गुजर बसर करना, और आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। द फर्स्ट स्टेप पीपल जो एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि लोग रिस्क ही नहीं लेना चाहते, और ये जो माइंड सेट है कि हम कोई प्रॉपर्टी, और ये जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स लोगों की आप सुनते रहते हैं, दी आइडिया इज़ कि इन्फ्लेशन भी इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को जो लगता है कि जो 10 लाख की प्रॉपर्टी 15 लाख की 5 साल में रिटर्न दे रही है, इन्फ्लेटेड प्राइस या जो अप्रिशिएटेड वैल्यू है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी 10 लाख अगर आप इन्फ्लेशन के परस्पेक्टिव से देखें तो शायद 17 लाख रुपये की वैल्यू से कम है, तो आप ऑलरेडी लॉस में हैं। एक दूसरी साइड के ऊपर जो रेंट सेकिंग एटीट्यूड है हमारी कंट्री में लोगों का, पीपल आई थिंक एजुकेशन ही नहीं है, जो चीज़ें हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं These are all the businesses. For example, आप गैस के बिल आए, आप गैस के बिल पे करते हैं, सो देर इज़ अ कंपनी विच इज़ बेसिकली गेटिंग दैट पर्टिकुलर बिल एज ए रेवेन्यू, उसको वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करती है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आप रोज़मर्रा के खाने पीने की जो अशिया यूज़ करते हैं घर के अंदर, वो सारी चीज़ें कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं ज़्यादातर, और वो कंपनीज़ आपको तो एक चीज़ सेल कर देती है लेकिन अपने शेयर होल्डर को इतना मुनाफा दे चुकी है कि हमें इसका यकीन ही नहीं आता कि इतना मुनाफा है। मैं वैसे आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, एक कंपनी जिस तरह हम डेली हम काफ़ी उसकी चीज़ें यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर है। जैसे अगर हम पिछले 20 साल में यूनिलीवर में मंथली, मैं ज़्यादा फिगर नहीं कहूँगा, अगर आप 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करती रहती, फॉर एग्जाम्पल पिछले 20 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 2,40,000। ठीक है, आप वैसे वाइल्ड गेस कर लें कि उसका रिटर्न पिछले 20 साल में आज तक कितना होगा, आप बताइए। आप वैसे वाइल्ड गेस कुछ कर ले, मैं आपको फिर काउंटर करता हूँ।
I'm sorry, I have no idea. So, बताएं आप. So, 240,000 का रिटर्न पिछले 20 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए से ऊपर है और ये सिर्फ आपने 1,000 रुपए के शेयर्स लेकर अभी तक किया हुआ है. सो इम्पैक्ट ही नहीं पता, लोग इस माइंडसेट से आते हैं. एक प्रॉब्लम जो मैंने पाकिस्तान में लोगों का देखा है कि सबसे पहले तो वो लिमिटेड वैल्यू से आएंगे और अगर गलती से उनको प्रॉफिट हो गया तो वो सारे खानदान से पैसे इकट्ठे करेंगे और उसको इन्वेस्ट कर देंगे और गलती से थोड़ी करेक्शन हुई या मार्केट इकॉनमी या कोई पॉलिटिकल नॉइज की वजह से थोड़ी नीचे गई तो वो एकदम घबरा जाएंगे और वो जो बेसिकली कर्जा लिया वो डिफॉल्ट होकर ना बेसिकली कर्जा ही चुकाते रहेंगे पूरी जिंदगी के लिए. तो मेरे ख्याल में एक तो जो नॉर्मल जो लोग जो कमा रहे हैं उनको ये भी सेंस नहीं है कि उनको मंथली बेसिस पे कोई इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं करने अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए. वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको सिर्फ इंटेलिजेंस चाहिए कि जो आप कमा रहे हैं उसका अगर आप 10% भी सेव करके इन्वेस्ट करें. अब आजकल जो हमारे नॉर्मली जो औरतें हैं या घर में जो मर्द हैं वो ज़्यादातर कमेटी डालते हैं और उसको रुपये में ही सेव करते हैं एंड दे आर अफ्रेड ऑफ बेसिकली इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग इसलिए वो घबरा रहे होते हैं कि उनको लॉस से घबराहट होती लेकिन, है. लेकिन इसमें देखें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको लॉस से घबराहट होती है. हमारे यहाँ आप ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा लोग क्रेडिबल भी नहीं हैं. दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रॉडस्टर्स आउट देयर जो आपको एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, जो आपको गेंस की बात करते हैं और इवेंचुअली जब आप सरमायाकारी करते हैं तो वो लोग हवा में गायब हो जाते हैं. ना सिर्फ ये कि इवन प्रॉपर्टीज जिसको अभी हम और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, कई लोगों के पैसे उसमें डूबे हैं. कई एक ही प्लॉट की कई कई फाइलें घूम रही होती हैं. प्रोजेक्ट्स यू नो 5 साल 10 साल होने के बाद भी कंप्लीट नहीं होते. तो इट्स नॉट एंटायरली द फैक्ट कि लोग इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं. लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ऐसे भी बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जो आपको चीट कर सकते हैं. और एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा. जब आपके पास एजुकेशन ही नहीं है कि जो कंपनीज जो डायरेक्टली बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं तो फिर आपको ऐसे नाम मिलते हैं जो आपको ये श्योरिटी देते हैं कि इस पे तो लॉस है ही नहीं, हम आपको फॉर एग्जांपल 20% का रिटर्न देंगे. ठीक है, और आप फिर इसी बेसिस पे कि आपको रिस्क तो लेना नहीं है कि लॉस तो है ही नहीं, आप 20% के चक्कर में जाते हैं और वो बंदा एक टाइम पे आपको मिलता है कि वो दुबई चला गया या वो रीचेबल ही नहीं है. और इस तरह के इतने फ्रॉड्स पाकिस्तान में पिछले 3 साल में आए हैं. और मेरे ख्याल में एवरीथिंग गोज बैक टू द एजुकेशन. अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि ये सारी कंपनीज एक पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे ब्रोकर के थ्रू जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आप डायरेक्टली उन कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं. कोई इन बिटवीन कोई दरमियान में कोई बंदा नहीं होता. थैंक यू सो मच फॉर एक्सपेंडिंग अपॉन दिस. ये सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं लेकिन अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं यू कैन गेट इन टच विद sarmaya.pk एंड दे कैन गाइड यू बेटर ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स भी पता चल सके, आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन कैन कम टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया लईक अहमद, हमारे साथ मौजूद थे, द फाउंडर ऑफ sarmaya.pk.